नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर चोमू तहसील के नांगल भरड़ा गांव में स्थित सामोद वीर हनुमान जी के मंदिर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी ऐसे नए नए वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, सामोद वीर हनुमान जी राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर सामोद पर्वत पर है और यह हनुमान जी की 6 फुट ऊंची आदमगत प्रतिमा है। इस मंदिर में भगवान राम का भी एक अनोखा मंदिर है। मान्यता है कि यह मंदिर करीब 650 साल पहले उत्तराखंड से आए साधु नगनदास जी ने गुफा में तपस्या के दौरान बनवाया था। एक और मान्यता के मुताबिक संवत 1452 में यह हनुमान जी ने चट्टान पर महाराज को दर्शन दिए थे। बाद में नगनदास जी महाराज ने इसी शिला को मंदिर के लिए चुना और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ स्थापित होने के लिए खुद हनुमान जी ने ही आकाशवाणी करके अपनी इच्छा जताई थी। दोस्तों, इस मंदिर में जाने के लिए 3 रास्ते हैं, रोप वे, पुरानी सीढ़िया और रोप वे के नीचे का रास्ता। नवरात्रों के दौरान यहाँ करीब 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में रामानंद संप्रदाय के संतों की तपोस्थली भी रही है। यहाँ महाराज ने ऋषि कुल विद्यालय और वीर हनुमान गौशाला भी चला रखी है। समय समय पर श्रद्धालु यहाँ स्वामिनी भी करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले दुर्गम पहाड़ियों का सहारा लिया जाता था और अब करीब 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि यहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है। दोस्तों, मान्यता है कि यहां पर जिन श्रद्धालुओं के कुएं में पानी नहीं आता वो यहां से बालाजी का लड्डू लेकर जाते हैं, उनके कुएं खोदते ही पानी आ जाता है। जो भी आसपास के लोग गाय भैंस रखते हैं उनसे निकलने वाले दूध का दही जमा कर वो पहला भोग भगवान हनुमान जी को लगाते हैं। जो कोई भी अनाज पैदा होता है वो पहला धान भगवान को अर्पित करता है। इस मंदिर में जाने के लिए रोप वे सेवा भी शुरू की गई थी जो फिलहाल किसी कारण टेम्परेरी बंद हो गई है। इस रोप वे का किराया आने जाने का मात्र 80 रुपए रखा गया था। तो इसलिए हम आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकते। बाकी अंदर मैं इससे पहले कई बार आ चुका, तो यहाँ आके एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और अभी भी मुकेश का बर्थडे भी है और हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मुझे इन्होंने खींच लाए। और सबसे मजे की बात यह है कि मैं बिना किसी रेस्ट किए हुए वीर हनुमान जी के दर्शन कर लिए। मैंने रास्ते में कहीं नहीं रुका, कुछ ऐसी बालाजी की मुझ पर कृपा हुई। अब यहाँ से हम महार जा रहे हैं, वहाँ हमारे मित्र जो सुरेश जी सैनी है उन्होंने इन्वाइट किया। अब यहाँ से अगला पड़ाव हमारा माता जी के मंदिर होते हुए, सातु बहनों के मंदिर होते हुए महार जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और महार के लिए जाएंगे। महार से पहले रास्ते में माता जी का स्थान है, वहाँ भी हम लोग दर्शन करने जाएंगे। श्री बालाजी सामोद मंदिर सामोद के पहाड़ों के बीच में स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन चोमू है। मंदिर चोमू रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह के लिए बसें नियमित रूप से उपलब्ध है। यदि जयपुर एयरपोर्ट से इसकी दूरी की बात की जाए तो जयपुर एयरपोर्ट से चोमू होते हुए इसकी दूरी करीब 55 किलोमीटर है। फिलहाल कचौरी हम लोगों ने लिए नाश्ते में। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सामोद में स्थित बंदोल घाटी में 700 वर्ष पुराना महामाया माता का मंदिर। दोस्तों, सामोद के बंदोल से मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 2 किलोमीटर का रेतीला और 2 किलोमीटर का पहाड़ी पथरीला रास्ता पार करना पड़ता है। महामाया मंदिर जो सातों बहनें माता जी है उनके स्थान पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा है।
खास बात इस मंदिर की है कि ये हमारे मतलब पुरखों से इस मंदिर की मान्यता हमारे परिवार की रही है, और आज मुझे भी पहली बार मौका मिला माता जी के दर्शन करने का। बचपन में आया तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम सामूहिक के रहने वाले हैं तो हमारे यहीं की मान्यता है माता जी की सातों महीनों की। दोस्तों, इस मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार उन बच्चों के लिए देखा जाता है जो बच्चे बचपन से तुतलाकर बोलते हैं या फिर बोली नहीं आती है। इस तरह के बच्चों की 7 बार यहाँ जात लगाई जाती है। इसके साथ ही चांदी और तांबे की धातु की जीभ बनाकर इस मंदिर में चढ़ाने से बच्चों की बोली सही हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ महामाया माता के मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। राजस्थान ही नहीं अपितु राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब के लोग भी इस मंदिर में शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं। यह मंदिर श्रद्धा और आस्था के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी मनोरम रमणीय स्थान है। मैं हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस मंदिर, ये कितना पुराना मंदिर है? 800 वर्ष पुराना मंदिर है। पहले यहाँ पे राजा महाराजा थे, यहाँ पे काम होती है, उनके अधीन था जी। फिर उन्होंने कहते हैं इंद्र की परिया है ये जी। अच्छा, इंद्र की, इंद्र की परिया की जो प्रांगण है ये बावड़ी थी आज से 800 वर्ष पूर्व जी सर। इंद्र की परिया रहते थे जी। महात्मा जी को डिस्टर्ब होता, वो चिल्लाती तो उनको डिस्टर्ब होता था, वहाँ से उठ के महात्मा जी यहाँ आए। यहीं रहो, यहाँ आने वाले यात्रियों के दुख दर्द दूर करो। उसके बाद 7 पिंडी रूप ये विराजमान। महाराज, जो आपका परिवार कितने समय से यहाँ सेवा पूजा कर रहा? मान लो 150-200 वर्ष से। कौन सी पीढ़ी है आपकी अभी जो पीढ़ी जो चल रही है? अब पीढ़ी तो ये मान लो हमारे जो दादा परदादा हैं, 7वीं 8वीं पीढ़ी से चल रही है। और यहाँ कोई विशेष दिन जिस दिन है कोई पूजा पाठ अर्चना कोई मेला करता हो जो विशेष? साधुओं की जो महात्मा थे उनकी 18 पीढ़ी होगी। अच्छा अच्छा, 18 पीढ़ी होगी। अच्छा, यहाँ का कोई मेला भरता है या विशेष मेला के? या तो एक तो भरता है बैसाख, एक भरता है भादुआ, और दो नवरात्रे। और तो मेले के समय लगभग कितने यात्री आ जाते होंगे? हजारों की तादाद, और पूरे हिंदुस्तान से यात्री। क्या बात है, सातों जात आती है यहाँ पे। कास्ट कार्ड जो खेती करने नाम? मेरा नाम किशन पाराशर जी। महाराज जी, माता रानी की कृपा ऐसी रही कि मेरी बचपन में मेरे माता पिता ने माता श्री का बुलावा था जी। अब यहाँ से मंदिर के सेवादार किशन जी ने हमें बताया कि 700 साल पूर्व इस स्थान पर संत द्वारकादास महाराज तपस्या करते थे। संत की तपस्या के दौरान इंद्रदेव की 7 परियां तपस्या स्थल के समीप स्थित बावड़ी में स्नान करने आती थी। स्नान करते समय बहुत शोरगुल करती थी, इससे संत श्री की तपस्या में व्यवधान पड़ता था। उन्होंने कई बार परियों को शोरगुल करने से मना किया, किंतु परियों ने अटखेलिया करना बंद नहीं की। इससे एक दिन संत श्री को क्रोध आ गया, उन्होंने परियों को सबक सिखाने की ठानी। परिया नहाने के लिए वस्त्र उतारकर बावड़ी में गई और शोरगुल करने लगी। तभी तपस्वी द्वारकादास जी बावड़ी के पास आए और वस्त्र छिपा लिए। परिया जब बाहर आई तो वस्त्र नहीं मिले। परियों ने जब तपस्वी के पास वस्त्र देखे तो मांगे, मगर तपस्वी ने वस्त्र नहीं दिए और परियों को हमेशा के लिए यहीं बसने का श्राप दे दिया। परियों ने तपस्वी से श्राप वापस लेने के लिए मिन्नतें की तो तपस्वी ने कहा कि आज से तुम सातों यहीं बस जाओ और लोगों की मुरादें पूरी करो। तब से सातों परिया यहीं निवास करती है। बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? पहले तो चलता आपका परिचय बताइए, आपका नाम? मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। मैं यहाँ 24 साल है, माता जी और गुरु महाराज के दोनों पर मैं सेवा पूजा करता हूँ जी। दोनों टाइम आरती पूजा करना, सेवा पूजा करना जी, मेरे ही काम है। और यहाँ गुरु महाराज का अखंड दो ज्योत जलता है, दोनों जलता है। ये कितने साल जल रहा है महाराज? 700 साल से पहले से जल रहा है। और माता जी को प्रकट किए थे गुरु महाराज,
जहाँ अखंड दुना अपन तपस्या करते थे और साथ तो पड़ी समझे कि आके बावड़ी में स्नान करते थे और इनको डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ। फिर इसके बाद में वहाँ से वो कपड़ा ला के चिमटा से अपने दुने में डाल दिए। दुने में डालने के बाद में समझ के साथ तो पड़ी आई, फिर आड़लोता में होके समझ के अर्जी विनती किए, फिर इसके बाद में समझ के गुरु महाराज वचन लिए कि 24 घंटा में एक बार तो लोग यहाँ आना है। फिर इसके बाद में समझ के वचन ली 24 घंटा में एक बार आती है। फिर इसके बाद में कपड़ा निकाल के दिए और 12 बजे दिन से लेकर रात से लेकर 12 बजे दिन तक इतना ही में 24 के 12 घंटे के अंदर में माता जी आती है। जी मैंने भी देखा रास्ते में कई जगह पुराने कपड़े थे, जिसे अपने आत्मा को शांति के लिए समझे कि अपना कपड़ा उतार कर रख देते हैं। हाँ। जैसे जैसे शांति मिले मंदिर में जाने के बाद में, जैसे मेरे को शांति मिले कपड़ा से शांति मिल जाए और नारियल से मिल जाए और प्रसाद से मिल जाए, जैसे भी अपनी शांति मिले अपने शांति के लिए यात्री लोग करते हैं। जी धन्यवाद महाराज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।